हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको शनि, अष्टम शनि के विषय में बताऊंगा। किसी जातक की कुंडली में यदि लग्न कुंडली में अष्टम शनि हो तो किस प्रकार के फलित होंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधी सीधी बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो श्रम लोग पसंद नहीं करते देखना। तो सभी लग्नों के लिए वीडियो है और शास्त्रीय मत बताया जा रहा है। इसमें मेरी कोई बुद्धि नहीं है, केवल शास्त्रीय जो किताबें हैं उसका, जो जिन फेमस एस्ट्रोलॉजर ने जो मत रखा है उसको मैंने नोट डाउन किया हूँ एक कागज में और वो पढ़ के सुना रहा हूँ। उसमें मैं कोई बुद्धि का कोई प्रेजेंटेशन नहीं है मेरी बुद्धि का, ये सामान्य सी बात है बिल्कुल, आप भी कर सकते हो। अष्टम भाव, जिसे मृत्यु भाव भी कहते हैं, ठीक है। ये तो मेरा अपना नाम गाम पता है। शनि के बारे में क्या, कालनश्य दुखम गुरु ज्ञानम गुरु। शनि का मुख्य कारकत्व ही दुख है, ये खास बात है, ये ध्यान देना है आपको कि शनि सिर्फ दुख का कारण है, ठीक है। अब बाद में फिर उच्च का शनि हो या बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो और दुनिया भर की बातें लोगों ने शनि के बारे में कहा है, तो शनि यदि कुंडली में नवमेश हो के बहुत उच्च का है या दसमेश हो के उच्च का है, तो भाई उसकी जो जिम्मेदारियां हैं बुद्धि अच्छा भी करेगा वो, क्योंकि जिस ग्रह को जो जिम्मेदारी कुंडली में मिलती है, यदि वो नवमेश है तो नवमेश का काम करेगा, दसमेश है तो दसमेश का काम करेगा, ठीक है। यदि सप्तमेश है तो सप्तमेश का काम करेंगे, तो सबको जो भी उसको अलॉट होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग ग्रह करेगा। लेकिन ग्रह का यदि मूल कारक का तो दुख है तो वो भी इंक्लूड करेगा, ये आप ध्यान रखना। तो ये मेन दुख वाली बात तो मैंने बता दिया, ये अष्टम भाव के जो कारकत्व है, आयुष अपमान असफलता वसीयत मृत्यु का भाव मृत्यु का भय कारण मारण चारण कारण मारण जारण संबंधी तांत्रिक प्रयोग गुप्त रोग भू संबंधा भू संपदा पैतृक संपत्ति स्त्री का मांगल्य कलंक विदेश यात्रा पत्नी का धन दुर्घटना शोध जासूसी रिसर्च सब है। साधना कर्ज षड्यंत्र आविष्कार लंबी यात्रा बहुत सारी चीज इसमें दी, जनरली नेगेटिव बात है, लेकिन रिसर्च अनुसंधान कोई गोपनीय बात है तो यहाँ से देखी जाती है गोपनीय चीजें। शनि का कारकत्व तो मैंने बता दिया हूँ, आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। ये शनि जो है किसी जातक की कुंडली में, यदि शनि शनि के बारे में जानना है तो काल पुरुष की कुंडली में शनि पैरों का प्रतिनिधित्व करता है, खासकर घुटना के थोड़े से ऊपर टखना और उस थोड़े नीचे। तो शनि की दो राशियाँ मकर और कुंभ, ठीक है, ये काल पुरुष की कुंडली में मैंने बताया। और काल पुरुष की कुंडली में शनि नौवें और दसवें भाव का प्रतिनिधित्व करता है, उसको प्रतिनिधित्व मिला वहाँ का, ठीक है। और क्या बताऊँ, हाँ, ये शनि आठवें भाव में, ठीक, आठवें भाव में शनि यहाँ बैठेगा तो ये दसवें भाव को दृष्टि देगा तीसरी, और इसके बाद उनकी सातवीं दृष्टि महाराज के धन स्थान पर पड़ेगी जो कुटुंब स्थान भी कहलाता है, और दसवीं दृष्टि पंचम सुत भाव पुत्र भाव में पड़ेगी, ठीक है। जो शनि की दृष्टि है वो विस्कारी मानी जाती है। सामान्यतः काल पुरुष में शनि का कारक तो आठवें स्थान का है, बारहवें स्थान का है, तो शनि आठवां शनि कोई नेगेटिव होता है ऐसा नहीं है। एक कोई बुरे भाव का स्वामी बुरे में चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि नुकसानदेह होगी, ठीक है। तो शनि जहां भी दृष्टि दे रहा है तो अपने थोड़ा नुकसान करेगा, उस भाव के फलों में कमी करेगा। यदि अब ये अष्टम स्थान से बैठ रहा है तो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करेगा, लड़ाई झगड़े विवाद बॉस से नहीं पटेगी, कुछ ना कुछ किटकिट चलते ही रहेगी, है ना। एक स्मूथ लाइफ चलनी चाहिए स्पीड से, वैसा नहीं होता, थोड़ा सा रुकावट होगी। आगे चलते हैं, शनि अष्टम, ये जो महान ज्योतिषी हैं उनके मत हैं, उनके ये नाम मैंने यहाँ लिख रखा है। तो अब आगे का वीडियो अब यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है। चमत्कार चिंतामणि में कहा है कि किसी जातक अष्टम शनि हो तो दुष्ट जातक जो है दुष्ट प्रकृति के लोगों की संगति में रहता है, अपने मनुष्य का वियोग धन का नाश रोगी दोष निकालने वाला परदोष परदोषान्वेषण मतलब जनरली आलोचक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, क्षुद्र हृदय मतलब कपटी प्रवृत्ति के संकुचित हृदय नैरो माइंडेड जातक धूर्त और वंचक चूड़ामणि होता है, तो नेगेटिव आदमी है, ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कोई दूसरा ठग नहीं सकता, इतना कमीने प्रवृत्ति का होगा वो आदमी कि अब कोई कमीने आदमी कोई क्या ठगेगा, ठीक है, वही दूसरे को ठगता है, इतना दुष्ट होगा कि उसको कोई दूसरा नहीं ठग सकता, ये खास बात है भैया। जीवनाथ कहते हैं, अच्छा इसने ये बोला है चमत्कार चिंतामणि कि कोई जन का वियोग होगा, किसी प्यारे व्यक्ति की डेथ कर जाएगा वो, तो उससे दुखी रहेगा वो, इस प्रकार से वियोग होगा। जीवनाथ, धन का विनाश आत्मीजन वियोग बुद्धि कुटिल अत्यंत चतुर रोगों से भयभीत तथा कलंकित होता है। जनरली मैंने पूरा प्रडिक्शन पढ़ा है, कोई पॉजिटिव नहीं है। खान खाना, रोगी आलसी दगाबाज पेटू कृपण दयालु डरपोक होता है।
मैंने एक चीज बताई थी छठवे शनि में कि छठवे शनि वाले को बोलते हैं कहें कि ये जो भोजन भट्ट होगा, लेकिन किसी ने मेरे को कोई कमेंट करके नहीं बताया छठवे शनि जिन्होंने देखा हो। आप लोगों से निवेदन है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज मिलती है तो आप कमेंट में लिखें, तो हमारा जो ज्योतिष के प्रति हम जो श्रद्धा भाव से काम कर रहे हैं और अनुसंधान भी हो रहा है हमारा, तो हमको उसमें मदद मिलेगी। आचार्य वरामीर कहते हैं पुत्र अल्पसंख्यक होते हैं, पुत्र अल्पसंख्या है, आंखें क्षीण होती है, कमजोर आंखें, और जातक की दृष्टि भी कमजोर होती है, मतलब नेत्र विकार हो सकता है अष्टम शनि। ठीक है, अल्प पुत्र अल्पसंख्या, देखिए कोई जमाने में पुत्रों की संख्या इसलिए ज्यादा होती थी कि लोग इतने भयभीत थे कि हमारा पुत्र जीवित रहेगा कि नहीं, क्यों कि भाई कोई टीकाकरण की सुविधा नहीं थी, लोगों की हेल्थ की समस्याएं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, तो लोग तीन चार पुत्र पैदा करते थे। ठीक है, और उसके बाद उसमें तीन चार में से लगा एक हाथ दो तो जिंदा रह जाएगा यार, तो क्योंकि भारत में मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, और जब प्रसव के दौरान जो मृत्यु होती थी, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ये बहुत हाई थी। बाद में 1985 के बाद भारत में टीकाकरण तेजी से बढ़ा, तो अब तो इतना कम हो गया है, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर कम होती है, तो अब ऐसे फल जनरली ये नहीं आते हैं। पारशर मुनि कहते हैं जातक रोगी तथा इसकी हानि होती है, अष्टमे अष्टमे व्याधि हानि। ठीक है, जातक रोगी तथा इसकी हानि होती है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं दुष्ट बुद्धि, शस्त्र प्रहार, चोट आदि से सुखहीन और रोगी होगा। अब आठवां स्थान है या रोग राई का प्रॉब्लम है, नेगेटिव है ना, इसलिए ऐसी बात आ रही है। महेश महाराज कहते हैं दुर्बल शरीर होगा, ददरू, एक खुजली की बात आती है कि जिसको छठवां शनि आठवां शनि होगा तो व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित होगा, चर्म रोग और फोड़े फुंसी आदि से मिलेगा। लेकिन हमारे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली भैया, त्वचा रोग विशेषज्ञ और पता नहीं बहुत 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 साइंस ने तरक्की करी, तो अब ये सब चीज़ें कोई मतलब की नहीं है ज़्यादा, फिर भी पर्टिकुलर किसी को हो जाए। जयदेव, दुर्बल देह वाला रोगी आलसी नेत्रहीन होता है, संतोष और सुख नहीं होता। वैद्यनाथ महाराज कहते हैं शूरवीर बहुत क्रोधी निर्बल और निर्धन होता है। कल्याण वर्मा महाराज कहते हैं कोढ़ भगंदर आदि रोगों से दुखी होता है, यह अल्पायु तथा उत्साहहीन होता है। मुझे एक व्यूअर ने बोला था कि खासकर शनि को लेके और ये बीमारी को लेके बोला था, तो मैं बोलना चाहता हूँ उस जातक को कि भाई ये आठवें शनि में बात आती है कि कोढ़ भगंदर आदि रोगों से दुखी होता है। भगंदर रोग के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा यहाँ। अब मानसागर कहते हैं जातक परदेश रहता है और वहां पर भी दुखित रहता है, चोरी करने के अपराध में दंडित भी होता, तो ऐसा लगता है कि छठा मानसागरी महाराज कहते हैं कि छठा शनि यदि चोरी के अपराध में दंडित, मतलब सरकार से दंडित, भाई कोई गवर्नमेंट की पनिशमेंट हो जाए, कोई विभागीय जांच जाए, डी चल जाए, डी प्रूफ हो जाए, या कोई हमको ऊपर वसूली निकल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि मलिन बवासीर के रोग से पीड़ित धनहीन क्रूर बुद्धि वाला भूखा होता है, इसके मित्र इसकी अवहेलना करते हैं। अरे महाराज, मंत्रेश्वर महाराज थोड़ी बहुत तो कुछ अच्छा कर दो, बेचारा करेगा क्या, जन्म से आठवा आ ही गया तो उसने क्या गलती किया है। काशीनाथ महाराज कहते हैं क्रोधी दरिद्र रोगी व्यर्थ व्यर्थ और मिथ्या झगड़ने वाला तथा वात रोगी होगा। ठीक है भाई, कुछ भी पॉजिटिव नहीं बताया काशीनाथ महाराज ने। ढूंढीराज महाराज कहते हैं दुर्बल शरीर, पतला होता है, दाद खुजली से पीड़ित होता है, असंतुष्ट आलसी होता है। ये दूसरा एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि फिर से खुजली होगी, तो कभी कभी ऐसा रहता है ना, कई लोगों को ऐसे दाद हो जाते हैं, इस प्रकार के एक्जिमा हो जाता है कि वो चमड़ी का रोग खत्म ही नहीं होता, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो शायद ऐसा कुछ हो। गर्ग महाराज कहते विदेश में या समीप समीप के किसी हीन स्थान में जातक की मृत्यु होती है, शोक, दुखी, हृदय रोग, खांसी, कालरा। अरे अब तो खांसी, कालरा, टीबी सबका इलाज होने लगा, ये सब चीज़ें अब नहीं रही। कश्यप, जातक के मृत्यु के प्रकार बताएं, इन्होंने बहुत स्टडी करी कश्यप महाराज ने, और जैसे मेष से लेके मीन तक किस प्रकार से उनकी मृत्यु होगी, वो मैंने इसलिए लिखा है कि मृत्यु होती बोलना थोड़ा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, फिर लोग डर भी जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सीरियसली यूट्यूब देखते हैं, बहुत सीरियस नहीं होना चाहिए। यवन जातक क्रश, खुजली, फोड़ों से दुखी, असंतुष्ट, निर्भय तथा आलसी। ये मतलब इसका मतलब ये कि तीन एस्ट्रोलॉजर ने बोल दी कि किसी को आठवां शनि होगा तो त्वचा के समस्या में प्रॉब्लम हो गई, मतलब उसको फोड़े फुंसी, त्वचा की बीमारी होगी, स्किन डिसीज हो सकती है। जागेश्वर महाराज बोलते हैं दुखी, कष, निष्ठुर बोलने वाला, मतलब कठोर बोलने वाला होगा, क्रोधी, क्षुद्र, तुच्छ प्रकृति का, धन्य धानहीन, निर्बल, हंसी मजाक नहीं करता, मतलब ऐसा सीरियस पर्सन होगा जो नेगेटिव भी होगा, हंसी मजाक भी नहीं करता होगा। हरिवंश महाराज कहते हैं दाद, खुजली, धातु, कमी से कष्ट, दरिद्र, दुर्बल, डरपोक, आलसी, निंदनी।
ये देखिए, एक फोर्थ एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने कहा कि दांत खुजली होगा, स्किन डिसीज की बात फिर रिपीट हो रही है। ओके, भृगु सूत्र में महाराज कहते हैं कि 75 वर्ष होती है, आयु 75 वर्ष होती है, मतलब दीर्घायु होगा। देखिए शनि ना आयु का प्रतीक है, और शनि का काल पुरुष में वो शनि का कारकत्व है, वहां का शनि वहीं के कारकत्व रखते हैं। तो 8वां शनि मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ आयु के मामले में ठीक ठाक होगा, पॉजिटिव है, मतलब आयु दीर्घायु होगी जातक। दरिद्र नौकरी करने वाला, शूद्र स्त्री से संपर्क करने वाला, उपजीविका संघर्ष होने वाला, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो भाई ऐसे महिला से शादी कर ले जो उसके समाज से सोशल स्टेटस में थोड़ा अप डाउन हो, 19-20 हो, तो या जात की महिला शादी नहीं करे, दूसरी अन्य इंटरकास्ट मैरिज कर ले, है ना। डॉक्टर रमन साहब कहते हैं जातक निराश, शराबी और बड़े पेट वो उथुल थुल थुल शरीर वाला होगा, अल्पसंतति वाला, अन्य जाति की महिलाओं से मैत्री रखने वाला, उदर पीड़ा से ग्रस्त, दृष्टि दोष वाला, निराशावादी, चतुर, अच्छा, जानकार, अपवित्र, बेईमान, कृतघ्न, क्रूर होगा, दीर्घजीवी होगा। बताए एक चीज मैंने बोला कि हाँ शराबी होगा, ऐसा किसी ने नहीं लिखा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो शराब का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अब तो ये फलित आता ही नहीं कि भाई पहले के, मतलब पहले शराब पीना ये कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, लेकिन जब शनि महाराज बोलते वो दुष्ट होगा, क्रूर होगा, तो बदमाश होगा, तो शराबी भी होगा। आए दिन तो शराब शराब को लेके कितनी समस्याएं हमारे समाज में हैं, लेकिन अब वो उस समय जब एस्ट्रोलॉजी लिखी जा रही थी तो शराब की कोई बात नहीं होगी। मैंने एक वीडियो बनाया था वैश्य योग का, लेकिन उसमें भी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रही। देखिए लग्नेश पीड़ित होने से जातक वैश्यन करेगा, द्वादशेश पीड़ित होने से वैश्यन करेगा, लेकिन ये बात जमती नहीं है, क्योंकि भैया 90% मामले में पीना और आजकल ये सब चीजें तो फैशन होते जा रही हैं। इवन भारत में तो अब लड़कियां भी शराब पीने लगी हैं, बियर पीने लगी है। तो हमारे जो ज्योतिष के सिद्धांत, तो वहां तो बहुत अनुसंधान की जरूरत है। लग्नेश पीड़ित होने से कोई मतलब नहीं कि जातक शराबी होगा, द्वादशेश पीड़ित होने का मतलब ये नहीं कि शराब पी होगा। तो हमको ज्योतिष में अनुसंधान की जरूरत है। अब तो भैया जिसका लग्नेश उच्च का है वो भी शराब पी रहा है, तो ये सब चीजें बड़ी एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत अनुसंधान की बात है। हम लोग इस प्रकार का फलित देंगे तो हमको वो 1 रुपया नहीं देगा और बकवास करता बोल देगा, तो बहुत अनुसंधान की जरूरत है भैया। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि यदि 6वां शनि के बारे में भोजन भट्ट की बात आ रही थी तो हमको में से कोई तो बताता, इतने सारे लोगों ने 6वें शनि का वीडियो देखा, बताइए ना भाई। हम थोड़ी बोल रहे हैं आपका, आपका नाम काम थोड़ी है। जैसे मैंने यहाँ स्किन डिसीज की बात करी है, यदि 8वां शनि है तो त्वचा रोग होगा, तो आप यदि लिख देंगे तो हमारे लिए बड़ा उपयोगी होगा, लेकिन लोग लिख नहीं रहे हैं ना, कोई कमेंट भी नहीं करते हैं। तो इससे लगता है कि या तो पूरा वो मजे लेने के लिए वीडियो देखते हैं, या फिर इस प्रकार का वीडियो बनाने का मेरा कोई उसका औचित्यपूर्ण अब नहीं समझ में आता। तो मैं और चार्टो बना दूंगा, इसके बाद इस प्रकार की दुकान में बंद करूंगा, फिर दूसरा बनाऊंगा, राहु का बनाऊंगा मैं, है ना। लेकिन यदि आप बताएंगे तो इस कुछ होगा, क्योंकि यदि फलदीपिका मैंने मंत्रेश्वर महाराज ने लिखा है, वैद्यनाथ महाराज ने लिखा है, वरामिहिर ने लिखा है कि 6वां शनि का ऐसा होगा, तो बहुत सोच समझ के लिखा होगा, ऐसा कोई मजाक नहीं है, इसको टाली नहीं जा सकती ये बात को। अपने किसी दूसरे रूप में फलित वो कमजोर आया, अब चूंकि त्वचा रोग में डॉक्टर ने, पैथोलॉजी में हमने इतना डेवलपमेंट कर ली, पैथोलॉजी में इतना कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, और लैब टेक्नीशियन और लैब में जो प्रयोगशाला विज्ञान में बहुत तरक्की हुई है मेडिकल के क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से कोई व्यक्ति जाता होगा तो फट से इलाज हो जाता होगा। लेकिन इतना जरूर होगा कि त्वचा को लेकर कुछ ना कुछ तो उसको होता होगा ना, शायद नहीं होता होगा तो अच्छी बात है, या फिर ये पुराने जो फलित के सूत्र हैं वो बैठ नहीं हो रहे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वराहमिहिर साहब ने कहा है, यदि वैद्यनाथ महाराज ने कहा है, और ढूंढीराज महाराज ने फलदीपिका में लिखे हैं, तो बहुत अनुभव से लिखे हैं। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि इसको हम, इनका खंडन करना आसान नहीं है। हो सकता है हमारे बोलने, हमारे समझने के तरीके में गलती हो सकती है, हम समझ गलत रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। मेरे जो कुंडली में मैं देखता हूँ, जब भी मैं कुंडली में नौवा भाव देखता हूँ, नौवा भाव पीड़ित होता है, निश्चित रूप से वो व्यक्ति नास्तिक प्रवृत्ति का होता है, अधार्मिक होता है, और उसके भाग्य में कमी होती है, बैड लक होता है उसके साथ, और पिता से उसके संबंध खराब होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो ज्योतिष के सिद्धांत हैं वो बहुत कारगर है। यदि हम किसी कुंडली में देखते हैं कि उसका 12वां चंद्र है, या अष्टम चंद्र है, या तृतीय चंद्र है, कई जातक हमको बताते हैं कि हम लोग फलाने बचपन में तालाब में डूबते डूबते बचे, या फिर हमारे साथ पानी की खात हो गई, दुर्घटना हो गई, ऐसी बात होती है। क्योंकि अब हम लोग इस दौर में आए हैं कि डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है, अब हम लोग कुएं में नहीं नहाते हैं, तालाब में नहीं नहाते, नदी में नहीं नहाते, तो घटनाएं उस तरीके से नहीं हो रही है, लेकिन अपवाद रूप में किसी छोटे रूप में वो होती होगी। कहीं आप पानी के किसी गड्ढे में गिर जाते होगे तो उस रूप में
आपकी जो घटना है तब्दील हो जाती होगी। आप तालाब में ना गिर के किसी छोटी सी जगह पानी में गिर के किसी रूप में वो घटना घटती होगी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ज्योतिष का अनुभव बोलता है। क्योंकि सूत्र खाली नहीं जाते ज्योतिष के, बहुत अनुसंधान से लिखी गई ज्योतिष है ना, इतनी गहरी ज्योतिष है कि बता नहीं सकते, ठीक है। और खासकर नाड़ी ज्योति मिश्र है, इस तरीके का फलित लिखा हुआ है कि भाई की बहू के बारे में लिखा है, भाई की बहू वो फलानी का चरित्र के बारे में लिख दिया है। तो इसका मतलब बहुत डीप और गहरा अनुसंधान है ज्योतिष में, इतना आसान नहीं है ज्योतिष के सूत्रों को नकार देना। हमारी हमारी जो मूढ़ मति है, हम लोग मूढ़ मति हम समझ नहीं पाते हैं, ये अलग बात है कि हमारी एस्ट्रोलॉजर की कमी है, लेकिन ज्योतिष के सूत्र में दम है। फ्रेंड्स नमस्कार, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें। खैर आजकल शेयर है यार तो कोई नहीं करता, लाइक ही कर देना भैया, मैं भी नहीं करता यार दूसरों के साथ, दूसरे आपको क्या बोलूँ, ठीक है। तो लाइक वाइक कर देना, एक हाथ दो कमेंट लिख देना तो थोड़ा सा लगेगा। जैसे मैं बहुत चाह रहा हूँ कि यार मैंने खूब पढ़ा कि लगा छठवा शनि में भोजन भट्ट है, भोजन भट्ट है, ये एक भी कमेंट नहीं आया, तो मुझे लगा कि पूरे सूत्र ही गलत बैठ रहे हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि छठवा शनि स्किन डिसीज के मामले में, त्वचा के बारे में आ रहा है, इसमें मेरे को अनुसंधान चाहिए। आप लोग बताएं यदि छठवे शनि किसी का आठवां शनि है और इसको स्किन डिसीज की प्रॉब्लम है, तो बताएं हमारे अनुसंधान सफल होंगे। हम लोग मेहनत कर रहे हैं ज्योतिष भाई, हमको ये कितना वीडियो चल जाएगा, इसमें हमको क्या मिलने वाला है। यह वीडियो मेरा 1 लाख भी देख ले तो मेरे को कम से कम $10 $20 भी मिल जाए तो बहुत है। क्योंकि जनरली भारत में जो यूट्यूब के साथ समस्या क्या है, भारत में जो यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट चलते हैं ना, भारत को कोई एडवर्टाइजमेंट देता है, मैं खुद एडवर्टाइजमेंट आगे बढ़ा के देखता हूँ, मेरा जो मैं वीडियो देखता हूँ एडवर्टाइज आते हैं तो मैं आगे बढ़ा देता हूँ उसको, मैं एडवर्टाइज को बंद करके फिर वीडियो देखता हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि मैं कोई वीडियो यूट्यूब में जो एडवर्टाइज चल रहा है तो हम लोग एडवर्टाइज को देखते हैं और उसे सामान सामान खरीदते हैं, ऐसा बहुत कम प्रतिशत है, समझ गए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यदि हमको इस प्रकार के अनुसंधान में आप सहयोग करेंगे तो बहुत सारे लोगों का भला होगा। हरे कृष्ण, प्रणाम।